हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एचआर टेक्निकल कुकिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि पेटीएम अकाउंट क्रिएट कैसे करें, पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं। जैसे आपको पेटीएम डाउनलोड करते होंगे, डाउनलोड करने से पहले वहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो आप लोग पेटीएम को चलाने नहीं जानते हैं, अकाउंट क्रिएट करने नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में बताएंगे कि पेटीएम अकाउंट क्रिएट कैसे करें, कैसे बनाएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शुरू करते हैं वीडियो। आपको सबसे पहले पेटीएम डाउनलोड कर लेना, आपके फ़ोन पर पेटीएम नहीं है तो पेटीएम डाउनलोड कर लेना। जैसे कि मैं प्ले स्टोर है मेरा, प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को आप सभी को मिलेगा। यहाँ से मैं पेटीएम अपना डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पेटीएम सर्च वाला आइकन पर जाना है, सर्च करना है पेटीएम। जैसे कि मेरा फर्स्ट नंबर पर आ रहा है पेटीएम ऐप, जैसे कि मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा पेटीएम, जैसे आप कुछ आइकन आएगा यहाँ पर क्लिक कर देना आप सभी को। क्लिक करने के बाद इसी को इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन पे। जैसे कि कुछ किसी का मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं हो रहा है प्ले स्टोर से, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दूंगा, वहाँ पर ईजिली जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा इंस्टॉल है अभी पेटीएम, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ोन पर आ जाएगा। सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है अपने फ़ोन पर। तो कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को आप सभी को मिलेगा। आपको पहले से जो अकाउंट है उसको आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना नंबर लिख के लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आ रहा है चेंज लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ पर चेंज लैंग्वेज आ रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा। आप चेंज लैंग्वेज हिंदी में भी, इंग्लिश में, जो आप लैंग्वेज चाहते हैं उस चीज़ में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को स्किप में कर देना है। क्लिक स्किप में करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को आप सभी को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट वाला सेक्शन पर आ जाना है आप सभी को। अकाउंट वाला सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पर लॉगिन आएगा। जैसे कि लॉगिन का ऑप्शन क्यों आता है, जैसे कि आपको पहले से अकाउंट पेटीएम में है उसको आप लॉगिन करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। पासवर्ड और ये जो नंबर खोले हैं वो याद है तो, और नया खोलना है तो क्रिएट ए अकाउंट पर जाना है आप सभी को। क्रिएट अकाउंट पर जाने के बाद यहाँ पर आपका लॉगिन और क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर नंबर पूछेगा आपका, तो नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर लिखने के बाद आपका वेरीफिकेशन सबसे सक्सेसफुली हो जाएगा यहाँ पर आपका। और यहाँ पर कुछ आएगा पेटीएम सिक्योरिटी साइडेड, जैसे कि आप पेटीएम को सिक्योरिटी करना चाहते हैं सिक्योरिट, तो यहाँ पर कर भी सकते हैं। और यहाँ पर नहीं करना है तो आई विल डू इट लेटर में क्लिक कर दीजिएगा आपका, तो हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर अकाउंट आपका नंबर डालने के बाद हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन पर आ जाना आप सबको। सबसे पहले अकाउंट वाले सेक्शन पर आने के बाद, जैसे कि मेरा यहाँ पहले से खुला हुआ है अकाउंट, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट योर बैंक, सेलेक्ट योर बैंक यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। सेलेक्ट योर बैंक, आप बैंक को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे इंटरफेस आपको अकाउंट वाले सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ आपको ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा आप सभी को। जैसे कि आप आपका फोटो डाल भी सकते हैं अपना पेटीएम आईडी में, या पेटीएम आईडी में अपना फोटो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे आइएगा तो नाम लिखने को बोलेगा, नाम लिख लीजिएगा अपना। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस डालने बोलेगा। आप ईमेल एड्रेस डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर फोन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा चुका है। यहाँ पर बोल रहा है पेटीएम वॉलेट स्टेटस एक्टिव, 10,000 मंथली लिमिट। जैसे कि आप 10,000 मंथली लिमिट यहाँ पर निकाल सकते हैं, या तो कुछ कर सकते हैं आप, यहाँ पर डाल सकते हैं पेटीएम में पैसा। तो यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस अकाउंट खुल जाएगा आपका। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट में आप नाम वेरीफाई करने के बाद, फोटो वेरीफाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद ओके कर दीजिएगा, वेरीफाई हो चुका है यहाँ पर अकाउंट आपका। यहाँ पर आपका ढेर सारा आएगा, जैसे कि आपको किसको पेटीएम से पे करना है पैसा, यहाँ पर पे का ऑप्शन आ रहा है, पे में क्लिक कीजिएगा। पे में क्लिक करने के बाद आपका अलाउ पेटीएम टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। अलाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका स्कैन एनी क्यूआर कोड, जैसे कि किसी का आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं उसका क्यूआर कोड आपको स्कैन करना पड़ेगा, तो आप जितना भेजना चाहते हैं उसको पैसा भेजा जाएगा। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपका सेंड मनी टू बैंक अकाउंट, जैसे कि आप आपका पेटीएम में पैसा है आपको आपको बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो भेज भी सकते हैं इससे। और रिचार्ज एंड बिल पे, यहाँ पर आपका रिचार्ज भी कर सकते हैं पेटीएम से, मोबाइल रिचार्ज। यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम वॉलेट कितना है आपका। और बैंक एंड हिस्ट्री, जैसे कि आपका बैलेंस एंड हिस्ट्री,
तो आपका कितना आया, आप कितना खर्च किए पैसा, या आपका हिस्ट्री आपका दिखाएगा, आप पेटीएम में क्या क्या किए हैं आप, और मोबाइल प्रीपेड यहाँ पर आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, पे क्रेडिट कार्ड बिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिल यहाँ पर जैसे कि बिजली बिल भर सकते हैं, या मोबाइल सब कुछ, बुक्स, गैस, गैस का भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं आप, सब कुछ यहाँ पर, लोन यहाँ पे लोन भी कर सकते हैं, पेटीएम क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं आप कार्ड पेटीएम का, जैसे कि आप पेटीएम से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो नीचे आने के बाद आपका सबसे इंश्योरेंस भी आपका दिखाया जाएगा यहाँ, शॉप एंड पेटीएम मेल, यहाँ पर टिकट बुकिंग, आप जैसे कि एयरप्लेन, बस, ट्रेन, मूवी टिकट, सब चीज़ का यहाँ पर टिकट पेटीएम से कर सकते हैं। तो नीचे आने के बाद इतने ही, तो यहाँ पर आएगा कैशबैक एंड ऑफ़र, जैसे कि आपका कुछ कुछ करते हैं आप कैशबैक देता है, कैशबैक को आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, जैसे कि रेफर अर्न, जैसे कि आप पेटीएम को अपना रेफर कोड किसी को भेजते हैं, उसमें से आपका किसी का उसमें से आप रेफर कोड किसी को भेजें, वहाँ से आप क्लिक करके कुछ डाउनलोड करेगा और पेटीएम को कुछ करेगा तो आपको बेनिफिट होगा, रेफर एंड एन 100। यहाँ पर बिकम एन मर्चेंट, यहाँ पर कुछ सपोर्ट है, हेल्प है, फीडबैक है, जो आपका प्रॉब्लम आएगा अपने पेटीएम पे तो आप फीडबैक कर सकते हैं आसानी से। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर आने के बाद जैसे कि सर्च वाला आइकन आ रहा है, सर्च कुछ यहाँ सर्च कर सकते हैं, क्या करना है, नहीं मिल रहा है आपको क्या करना है उसको सर्च कीजिएगा, फटाफट वहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैसेज वाला आइकन जाएगा, जो आप मैसेज करेंगे आपको पेटीएम में पैसा वैसा भेजने के लिए, हाय वो लिखेंगे, जो चैटिंग करेंगे आपको पेटीएम में आएगा यहाँ पर मैसेज वाला आइकन में। तो ऐसे ही आप अपना पेटीएम का आईडी आसानी से खोल सकते हैं। इतनी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स।